नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइकर डैड लाइफ। कैसे आप लोग? मैं तो हूँ बहुत ही बढ़िया। तो आज हमारे साथ आई है द ऑल न्यू होंडा एक्टिवा एच स्मार्ट। तो इस एच स्मार्ट स्कूटर में आपको क्या क्या नया मिलता है, क्या क्या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वाले वीडियो में। प्लस एक छोटा सा राइड रिव्यू भी दूंगा और ऑलरेडी जो प्रूवन हमारी एक्टिवा है उसको और बताऊंगा मैं आप लोग को। तो चलिए फिर देखते हैं ये वाली स्कूटर। तो सबसे पहले अगर प्राइस की बात करें तो ये स्कूटर पड़ती है अराउंड 1,04,000 रुपीज़ ऑन रोड यहाँ पर नवी मुंबई में। तो आगे से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो हेडलाइट्स हैं आपको एलईडी लाइट्स मिलते हैं, तो दैट इज़ गुड। आपको इंडिकेटर जो है वो बल्ब्स मिलते हैं। आगे से आपको यहाँ से देखेंगे तो आपको ये वाला जो पार्ट है ये प्लास्टिक का मिलेगा, और आपको अगर मड गार्ड देखेंगे तो ये वाला मड गार्ड जो है मेटल में देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको ये क्रोम की फिनिश देखने मिल रही है एंड ग्लॉसी कलर, ये ब्लू कलर दिखता है इसमें आपको, और 5 कलर्स है, टोटल 6 कलर्स मिलते हैं आपको इस वाले स्कूटर में। सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे तो अब आपको इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। आगे पहले आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन मिलता था। एज कम्पेयर टू स्विंग आर्म जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो ज़्यादा बेहतर है और आपको ज़्यादा अच्छा राइड का फील मिलता है। पीछे से आप अगर देखोगे तो आपको ये मोनोशॉक दिखाई देता है जहाँ पर आपको 3-स्टेप एडजस्टेबल मिलता है ये वाला मोनोशॉक। टेल लाइट में आपको बल्ब दिखाई दे रहा है, इंडिकेटर्स भी है वो भी बल्ब्स है। ग्राउंड क्लियरेंस में आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है। वेट की अगर बात करें तो 105 किलो का वेट है इस वाले स्कूटर का। इसमें आपको दोनों आगे और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं, 130 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे आपको दोनों आगे और पीछे। व्हील्स में अगर हम देखेंगे तो आपको आगे 12 इंच के व्हील्स दिखाई देते हैं। अब आपको ये अलग टाइप के अलॉय व्हील्स देखने मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं जो इसका पैटर्न है वो। पीछे के अगर आप व्हील्स देखोगे तो आपको वही वाला पैटर्न देखने मिलेगा पीछे, लेकिन पीछे का जो व्हील का साइज है वो 10 इंच का है, तो आगे आपको 12 और पीछे 10 इंच के व्हील्स दिखाई देंगे। इन टायर्स को होंडा ने ऐसा बनाया है कि रेजिस्टेंस कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रिप मिले इन टायर्स के साथ। प्लस ये जो व्हील्स भी अब बनाए हैं, ये जो अलॉयज बनाए हैं, इसका वेट काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। उससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिलता है। इंजन की अगर बात करें तो आपको 110 cc का फैन कूल्ड इंजन मिलता है। 4-स्ट्रोक का इंजन है जो देता है अराउंड 8 PS ऑफ पावर एंड 8.9 NM ऑफ टॉर्क। तो ये इसके पावर फिगर से अगर आप यहाँ से इंजन देखोगे तो कुछ अलग दिखाई देगा अब आपको। जो नॉर्मल वाली अपनी 6G की एक्टिव आती है उसमें यहाँ पर आपको किक स्टार्ट दिखाई देता था, अब वो वाला किक स्टार्ट निकाल दिया है। आपके क्या विचार है ये किक स्टार्ट निकाल दिया है उसको लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर आपको ESP दैट इज एनहांस स्मार्ट पावर का स्टिकरिंग देखने मिल रहा है। एक्टिवा का अगर आप लोगों देखोगे यहाँ पर बढ़िया सा आपको जो है 3D में दिखाई दे रहा है। एच स्मार्ट की यहाँ पर स्टिकरिंग वापस आपको देखने मिलेगी। तो ये देखिए ये क्या है, आपको ये वाली जो है कीलेस एंट्री का फंक्शन मिलता है इस वाले एच स्मार्ट स्कूटर में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी की का पैनल नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको कीलेस एंट्री मिलती है। तो ये कैसे काम करता है ये आप लोग को मैं अभी बताता हूँ कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप ये वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करते हो, ज़रा ठीक से देखिए आप, तो यहाँ पर अब स्कूटर लॉक हो गई है, जो रेड पोर्शन हो गया मतलब यहाँ पर रेड लाइट आ गया। इसी को अगर हम वापस दबाएंगे तो ग्रीन हो गया है, तो मतलब अभी गाड़ी आपकी अनलॉक हो गई है। और अब अगर आप ये घुमाते हो इस तरीके से तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो की का जो लाइट है वो ऑन हो गई है, मतलब अब आपकी स्कूटर जो है चालू हो गई है और अब आप इसको शुरू कर सकते हो। तो इसी नॉब को अगर आप यहाँ पर दबा देते हो तो आपके सारे इंजन के लाइट्स ऑन हो जाते हैं और अब आप इस स्कूटर को चालू कर सकते हो। साइलेंट स्टार्ट का सिस्टम मिलता है, तो अगेन विच इज़ वेरी गुड एंड योर स्कूटर इज़ रेडी टू गो। तो इसमें और एक बढ़िया फीचर है, जस्ट इन केस मैं अगर भूल जाता हूँ इसको लॉक करने के लिए और मैं अगर गाड़ी ऐसे ही छोड़ के चल पड़ता हूँ तो 2 मीटर दूर जाने के बाद ऑटोमेटिकली जो है आपकी होंडा एक्टिवा एच स्मार्ट लॉक हो जाती है। तो मुझे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड फीचर बाय होंडा। तो इसमें और एक बढ़िया फीचर है, जस्ट इन केस आप आपकी जो स्कूटर मॉल वॉल में लगा देते हो और आपको याद नहीं रहता कहाँ पर है, या फिर आप समझो अंधेरे में छोड़ देते हो कहीं पर स्कूटर जहाँ पर आपको स्कूटर को लोकेट करने के लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो आपको ये बढ़िया सा फीचर मिलता है जहाँ पर ये वाला जो बटन है अगर आप दबाते हो ऐसे तो अब देखिए कैसे स्कूटर ब्लिंक करती है, ताकि आप अंधेरे में भी ये बस एक बटन दबाने से आप आपकी स्कूटर को बढ़िया से लोकेट कर सकते हो इसी तरीके से। है कि नहीं मज़ेदार वाली बात?
तो जैसे आप चाबी घुमा के स्कूटर लॉक करते हो, वैसे ही आप इस वाले स्कूटर को भी यही नॉब घुमाते हुए इस तरीके से हैंडल बार को पकड़ के हुए देखिए लॉक हो गई आपकी स्कूटर बढ़िया से, तो हैंडल लॉक भी हो गई। लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि इस साइड में अगर आप ये साइड से करने जाओगे तो ये वाला हैंडल लॉक नहीं होगा, तो आपको अगर हैंडल लॉक करना है तो यही लेफ़्ट साइड से ही आपका हैंडल लॉक होगा, तो इस बात का आप ध्यान देना। तो बस आपको फ्यूल लिड भी अगर खोलना है तो बस इसी नॉब को यहाँ पर फ्यूल लिड के यहाँ पर सीट और फ्यूल के यहाँ पर लाना है, और बस आपको ये वाला अगर बटन दबाओगे आपका फ्यूल लिड खुल जाता है। तो जस्ट इन केस आप पेट्रोल पंप पे वगैरह हो या फिर लेडीज़ के लिए ये काफ़ी अच्छा फंक्शन हो जाता है, और अराउंड 5.3 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, अराउंड 45 का माइलेज आराम से दे देती है ये वाली स्कूटर। उसी तरीके से अगर आप ये वाला सीट का अगर बटन दबाते हो तो आपका सीट भी खुल जाता है बढ़िया सा, और आपको यहाँ पर देखोगे काफ़ी अच्छा सीट स्टोरेज स्पेस मिलता है। अनफॉर्चुनेटली आपको कोई भी एल्यूमिनेशन या फिर लाइट नहीं दिखाई देता यहाँ पर, एक हाफ हेलमेट तो आराम से बैठ जाएगा इसके अंदर। तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो चाबी होती है ना वो यहाँ पर अंदर रह जाती है, कभी कभी घाई करते हैं हम और ऐसे लॉक हो जाती है गाड़ी आपकी, जैसे अभी लॉक होगी तो अभी क्या करोगे यार, आप कैसे खोलोगे? तो इसका भी एक रामबाण उपाय है, वो है क्या, वो है ये वाली बढ़िया सी चाबी। तो इसको हम कैसे खोलेंगे अब दिखाता हूँ मैं आप लोग को। आपको बस ये वाला जो पैनल है ये अब खोलना है ऐसे, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे यहाँ पर ऐसे ये खाँचा बनाया हुआ है, तो इस खाँचे में आपको ये अंदर डालना है। तो ये देखिए इसको बस ऐसे घुमा दिया मैंने और आपकी सीट भी खुल गई बढ़िया से और आपकी चाबी भी बाहर आ गई, है ना मज़ेदार चीज़। तो आप अगर बोलोगे यार ये तो कोई भी दूसरे स्मार्ट का हम लेके ये वाला खोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक स्कूटर का ये जो एलन की अगर मैं बताऊँ ये इस तरीके से बनाई गई है कि इस स्कूटर की ये एलन की ली है और इसी एलन की से आप ये वाली जो है स्कूटर का सीट खोल सकते हो, तो आपकी जो सेफ्टी है स्कूटर की वो इंटैक्ट रहेगी। इसमें आप जस्ट इन केस आपकी अगर दोनों चाबियाँ भी गुम हो जाती है तो आपको ये वाला बार कोड मिलता है, तो ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि ये बार कोड से आप कैसे आपकी जो स्कूटर है वो खोल सकते हो। इस वाले वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा ये वाली चीज़, तो आप मेरा अगला वीडियो देखिए। तो इंस्ट्रूमेंट पैनल अगर आप देखोगे तो आपको डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंट पैनल नहीं देखने मिलता है, पूरा पूरा जो है आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने लगता है, लेकिन काफ़ी क्लीन है। जैसे आपको यहाँ पर देखोगे स्पीडोमीटर है, यहाँ पर आपको पूरा जो है एनालॉग में ही किलोमीटर्स की रीडिंग देखने मिलेगी, यहाँ पर आपको ऑब्वियसली जो फ्यूल गेज है वो देखने मिल रहा है कन्वेंशनल वाला, आपको यहाँ पर इंजन लाइट, यहाँ पर बैटरी लाइट, आपको अपर डिपर, आपको यहाँ पर ऑब्वियसली की का इमोबिलाइजर का लाइट दिखाई देगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपर डिपर, यहाँ पर पास की लाइट, यहाँ पर इंडिकेटर्स, यहाँ पर हॉर्न भी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्ट और इंटीग्रेटेड है, यहीं से आप आपकी स्कूटर चालू कर सकते हो। प्लस आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि साइलेंट स्टार्ट का फंक्शन मिलता है इसमें, जो मिरर्स वगैरह है वो भी सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुए है, तो रेस्ट द स्कूटर रिमेन्स द सेम। तो चलिए फिर एक राइड रिव्यू करते हैं, और सबसे पहले अगर हाइट कंपेरिजन दो तो देखिए मेरे पैर आराम से नीचे टच हुए हैं और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, 5'10" है मेरी हाइट, किसी की हाइट 5'4" भी होगी ना तो आराम से चला लेगा। तो ये चाबी तो आपने ऑलरेडी देख ली है, बस आपको ये जो नॉब है ये आई पे लाना है ऐसे, ताकि अब आपकी स्कूटर चालू हो जाएगी आराम से। यहाँ से आपको ये बस स्टार्ट करना है और साइलेंट स्टार्ट मिलता है आपको, और अब आपकी स्कूटर चालू भी हो गई बढ़िया से, नाइस। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो सस्पेंशन अच्छा खासा है, आपको थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में सस्पेंशन रहेगा, लेकिन इससे क्या कंफर्ट काफ़ी बढ़ जाता है, तो हैंडलिंग भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है जैसे आप एंटॉर्क चलाते हो वैसे नहीं है, तो ज़्यादा ये कंफर्ट के लिए बनाई गई है एक्टिवा, तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट मिलेगा आपको चलाते वक्त, और हैंडलिंग भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, आपको हैंडलिंग भी अच्छी रहेगी। अगर मेरे सीटिंग पोजीशन भी बताऊं तो काफ़ी अपराइट बैठा हूं मैं, मेरे पैर भी अच्छे खासे यहां पर है, अगर आपकी हाइट समझो 6'1" भी होगी ना तो आप आराम से चला लोगे ये वाली स्कूटर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्कूटर चलाने में। बाकी होंडा का इंजन तो हम सब जानते हैं कितनी बटर स्मूथ है होंडा का इंजन, एंड
ये वाला पोर्शन है थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको एनालॉग मिलता है, लेकिन ठीक है यार, एटलीस्ट जो लेटरिंग्स है यहाँ पर ये जो नंबर्स वगैरह दिए हैं काफ़ी बड़े हैं, तो काफ़ी चीज़ें हमें अच्छे से दिखाई दे रही है यहाँ पर। जो रेयर व्यू मिरर है वो भी ठीक ठाक है, बढ़िया है और अपना पर्पस फुलफिल कर रहा है। सीट्स भी है, काफ़ी कंफर्टेबल है, तो आप लंबे राइड्स भी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के इस वाले स्कूटर के साथ। नाइस ब्रेक्स, यस ब्रेक्स आपको इसमें CBS मिलता है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, आगे पीछे दोनों ड्रम्स है, बट ब्रेकिंग इज प्रीटी एडिक्वेट। यह स्कूटर है 110cc की, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें ब्रेकिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज एन हार्ड ब्रेकिंग की, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ जाएगी नहीं आपकी स्कूटर, तो उसके हिसाब से बढ़िया ब्रेकिंग मिलती है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यार बहुत ज़्यादा लंबा राइड रिव्यू नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि ये जो एक्टिवा है हमारी ये कैसी चलती है, बिकॉज इट इज़ द सेम एज दी 6G। ओके, तो ये था वीडियो ऑफ द ऑल न्यू होंडा एक्टिवा एच स्मार्ट। बाकी पूरी की पूरी स्कूटर वैसे ही रहती है, कोई भी चेंजेस नहीं मिलते आपको इस वाले स्कूटर में। तो यहीं पर मैं ये वाला वीडियो एंड करना चाहूँगा, अगर अच्छा लगा हो तो डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, और उनको भी इस नई स्कूटर के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। तो थैंक्स अ लॉट गाइज, ध्यान रखना आप अपना और अपने फैमिलीज का। सी यू फ्रॉम बाइकर डैड लाइफ, टेक केयर गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।